कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। भोपाल मध्य विधानसभा से शिवसेना के राम नरवरे भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अपने प्रचार अभियान में नरवरे लोगों से उन्हें मूलभूत सुविधाएं दिलवाने का वादा कर रहे हैं। भोपाल मध्य से शिवसेना प्रत्याशी राम नरवरे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर राजधानी भोपाल के 10 नंबर पर जाएंगे तो वहां ना तो पानी है ना सड़कें हैं। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सड़क, नाली और पानी की व्यवस्था करूंगा। गायत्री मंदिर एमपी नगर से एक बड़ी रैली के रूप में राम नरवर ने अपना जनसंपर्क शुरू किया। मध्य विधानसभा में काफी कमी है, जैसे 10 नंबर आप जाएंगे शाम के टाइम पे पूरा रोड है ना खचाखच भरा रहता है, ट्रैफिक जाम फंसा रहता है। मगर क्योंकि तंग गलियां हैं, ट्रैफिक में कई है ना अफसर रहते हैं, कई ऐसे एजुकेशन फील्ड के लोग रहते हैं जो टाइम पे घर पहुंचना चाहते हैं शाम को, मगर फिर भी है ना रोड इतना जाम हो जाता है कि ना निकल नहीं पाते, रास्ते बहुत छोटे हैं। तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम कुछ करेंगे कि ना ताकि रोड अच्छा बन सके। मध्य विधानसभा क्षेत्र में हमें जनसमर्थन, बहुत जनसमर्थन मिल रहा है और हर एक गली में, हर एक बस्ती में, हर एक कॉलोनियों में डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग की समस्याएं सुन रहे हैं कि भाजपा ने किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। चूँकि पिछले 18 सालों में यहाँ भाजपा का शासन रहा है और भाजपा ने लगातार, पहले गाय एक मुद्दा थी लोगों के लिए, भाजपा के लिए। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।